डोरियो डोरियो से मैनू तू बांध ले। अच्छा, मैं भी गई हुई थी बाहर। जैसे ही मैं घर में आई हूँ, एंटर हुई हूँ, तो मैंने क्या देखा। सबसे पहले तो मुझे शूज नजर आए मेन डोर के ऊपर। और यकीन करें, वो शूज जब मैंने देखे ना, मैंने बाहर से सनी शहर को आवाजें निकालना शुरू कर दी कि शूज किसके हैं, किसके शूज हैं। तो अंदर से डिग्गी ने मुझे बताया कि ये एक बदतमीज किस्म का इंसान हमारे घर में बैठा हुआ है, उसके शूज हैं। अब वो बदतमीज इंसान कौन है उस समय भी आपको मिलवाती हूँ। मतलब ये कि बताने का ये है कि वो इतने गंदे शूज हैं, मिट्टी से भरे हुए, पानी से भरे हुए, वो इसने बिल्कुल मेन डोर के आगे लाके ना रख दिए। तो अभी मैं उसका आपको दीदार करवाती हूँ। ये है जो बदतमीज इंसान। अच्छा हुआ तो मेरे सजा दी। हाँ, तो ये इतने साफ शूज हैं। आया वो शूज देखे वहाँ इसने उतारे में, वो गंदे वो गलीज शूज है। चेक करें आप कितने गंदे शूज। ये देख रहे हैं, ये शूज अच्छे हैं आपके? कोई नहीं, पाकिस्तान जाके खरीदे हो गए। हाँ, पाकिस्तान को बदनाम करो। अब ये पाकिस्तान आएगा ना, सबने मारना है इसको। नहीं, नहीं, आंटी क्या हो गया? क्यों मार मार रहा है? और आंटी क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान आपका कैसा ट्रिप रहा? हाँ, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। आपको पाकिस्तान याद आ रहा है? याद आ रहा है। आश्रय याद आ रहा है? घर याद आ रहा है? सब याद आ रहा है। अली भाई भी? हाँ, अली भाई भी याद आ रहा है। जब से आंटी ने सुना अली भाई पैसे कमाना शुरू कर दिए यूट्यूब से, आंटी ने कुछ शुरू किया। आंटी कह रही है हमारे पास और यू गाइस। और क्या? और पापा क्या चैनल है आंटी? कुकिंग चैनल? लाइफ स्टाइल विद मानुषा। अच्छा, तो अभी आपका ये ब्लॉग क्या है? बस मैं तो कंटेंट बना रही हूं। 21 क्वेश्चंस डिंकी, आप क्या कह रहे थे बताओ? मैं कह रहा था आप 21 क्वेश्चंस 21 क्वेश्चंस। अब आपको मैं कल भी सनी को बता रही थी कि व्लॉगिंग जो है ये मैंने सिखाई। हाँ, मैंने देखी हुई वीडियो, वो पुरानी वाली। बचपन में इनकी वीडियोस बनाती थी तो मुझे तो। आप ही आंटी पहनी रहे इसकी? और आंटी फिर क्या सोच रही है? अरे वहाँ से फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, मामा पेंटर हो ना फिर। आंटी आपकी कुकिंग देख रहा था, आंटी ने अपनी वीडियो टीवी पे डाल के व्यूज बढ़े। ये पीके जब से आया ना यही कही जा रहा है, बस मजाक उड़ा रहा है मेरे से। खुद क्या ये बताओ पहले अपने आप को। खाना भी है, अब आप ऐसी वीडियो के लिए बनाया था कि मैं क्या खाऊं। हां, बेचारा क्या, बस वही ना। और ये खाना जो इतना सारा पड़ा है वो कौन खाएगा? ये वो जो बाहर से है जी? नहीं, घर में बनाया था बाहर से, आपके जैसे। तो नाजरीन, ये है हमारे मिस्टर सनी जाफरी एंड ही इज सिटिंग हियर अलोन। I don't know what he's doing right now. Sunny, why are you hiding your face? क्यों आप अपना मुंह छुपा रहे हैं? प्लीज आप बताइए। बस क्या बताऊं, तंग आ चुका हूँ ये यूट्यूब की जिंदगी से। हर बंदा कैमरा मेरे मुंह पे लेके आ जाता है। बस मुझे पता है मैं काफी पॉपुलर हूँ। आप कहें कि मैंने कभी गुरूर नहीं किया। हाँ, कभी गुरूर नहीं किया। तो आप लोगों ने सबने सनी की वीडियो देखी होगी, सब प्लीज बताएं कैसी लगी। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो है वैसे वाकई में। थैंक यू सनी, आप बहुत टैलेंटेड। आपकी भी वीडियो काफी अच्छी। मेरी कौन सी वीडियो? ये वाली। गाइस सब्सक्राइब ना करना भूलना, और फौरन इसी वक्त अनसब्सक्राइब कर दें आप। एक्चुअली बड़ा घटिया चैनल है, इसको डिलीट करें। देख लें, आप सनी की बात कर रहे हैं। क्या हो गया ऐसे को? बंद करें कैमरा, बंद करें, बंद करें, बंद करें कैमरा, बंद करके। तो गाइज आप जाएं और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को आप कितने लाइक्स चाहिए इसके सनी बताओ? 3 लाइक्स। इसका मतलब 300,000 लाइक्स चाहिए। 3 लाइक्स, 3 मतलब 300,000 ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया, चलो कम कर दे इसको, कम कर दे थोड़ा सा। 3,000। चलो ठीक है, डन हो गई 3,000 पे बात। ऐसे दिखाओ ना बैकग्राउंड को, काफी सारे कैमरे दिखाओ। जैनब जो है ना, उसको कली भी अच्छी लगती है और चावल भी अच्छे लगते हैं। जैनब की इस वक्त क्या हो रही है? पीना फ्रेंच ब्रेड। वाओ जैनब, जबरदस्त। पार्लर खोल लो तुम। और ये आप लोग सीखे कि ये किस तरह हो रही है, दो बगैर कोम के, बगैर कोम के। और
जब ये डन हो जाएगी फिर हम दिखाएंगे, फिर आपको हम रिजल्ट इसका दिखाएंगे। ज़ैनब की फ्रेंच ब्रेड जबरदस्त भी ना, बड़ा अच्छा है। अच्छा मुझे नहीं आती, मैंने बड़ी कोशिश की। अभी ज़ैनब को भी आती है कहाँ का? लेज़र। अच्छा आईज आंखों का लेजर आपको कराने क्या होते हैं? हाँ आई साइड के लिए लेजर, लेकिन आई साइड भी होना हो गया था आपकी आंख बदल जाए, बिना टेढ़ी हो रही है मुझे लग रहा है। अब आप दो ज़ैनब की फ्रेंच ब्रेड जो है वो रेडी हो गई है, पप्पू ने बना दी इसकी। वेरी नाइस ज़ैनब, सो प्रीटी। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है हैंड चॉपर, और बहुत ही ज़बरदस्त काम की चीज़ है। बेसिकली तो गार्लिक के लिए है ये, कि गार्लिक चॉपर है, हैंड चॉपर है, लेकिन इसमें हम जैसे नट्स या फिर छोटी मोटी सैलड भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी टू यूज़, इजी टू वॉश और हैंडी सा है बहुत। इसको बस इस तरह से खोला और इसके अंदर ये ब्लेड है, और आपने वो गार्लिक डाला या वॉट एवर नट्स वगैरह जो भी आपने करना है, उसके बाद इसको यहीं से लॉक किया, और फिर इसको ये देखें छोटू सा लेकिन बहुत काम का। तो एक ये मैंने दूसरा मंगवाया, एक मैंने मंगवाया था और वो मैंने इसको हैंड वॉश करना है, डिश वॉशर में नहीं धोना या बहुत तेज़ गर्म पानी से नहीं धोना। एक मैंने मंगवाया था वो मैंने डिश वॉशर में लगा दिया, और वो जो ऊपर इसका जो प्लास्टिक है ना वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो खैर फिर मैंने दूसरा मंगवाया। डोरियों डोरियों से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में मैनू फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बैठे अक नाल अक नू मिला के, दिल दिया गल्ला है करांगे रोज रोज बैठे, सच्चिया मोहब्बता निभा के। हाँ जी, तो आज मैं कुकिंग कर रही हूँ बिरयानी और कीमा। कीमा मैं बनाऊँगी भुना हुआ, और ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दूँ, डिंकी की और मेरी जब बर्थडे हुई थी आज से दो दिन पहले, तो ये मेरी बहन ने बलून बहुत ही खूबसूरत सा डेकोरेट हुआ हुआ, और इस पर इस तरह से ये प्रिंट हुआ हुआ है मेरा और इनकी का नाम, और साथ यहाँ पे कपकेक्स बनाए थे ये उसने गिफ्ट किया था, और ये फ्लावर्स अयान लेके आया था, और ये वाला जो बुके है ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे भेजा था, क्योंकि यहाँ पे